नमस्कार साथियों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में तो आज की जो मॉडल टेस्ट पेपर की जो क्लास फाइव है आज की क्लास एम पे है जो कि ऑर्थो मॉस्क्यूलो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम से है एमएसएन का पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक सारे एम कवर हो जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन ठीक है आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा उनका आंसर तो आप वीडियो को एंड तक देखना बने रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से हम लोग तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख ही रहे हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज कॉज विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज कॉज ड्यू टू इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ठीक है जो एक कंडीशन है स्कैपुला विंगिंग स्कैपुला विंगिंग वो कॉज होता है ड्यू टू इंजरी अब कौन से पार्ट में इंजरी होने की वजह से ऐसा होता है वो हम बताएंगे चार ऑप्शन आपके सामने हैं अलार नर्व थोरेको डोरसल नर्व लॉन्ग थोरेसिक नर्व ऑफ बेल एंड डोरसल स्कैपुलर नर्व आपके पास चार ऑप्शन थे आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है लॉन्ग थोरेसिक नर्व ऑफ बेल ठीक है ऑप्शन नंबर सी अब एक्सप्लेनेशन में देते हैं कि ऐसा क्यों क्योंकि इंजरू टी इंजरी टू द लॉन्ग थोरेसिक नर्व ठीक है जो लॉन्ग थॉरेसिक नर्व है उसमें इंजरी होने की वजह से क्या होगा इट कॉज दैरेटस एंटीरियर एंड पैरालिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द विंगिंग ऑफ स्कैपुला ठीक है विंगिंग ऑफ स्कैपुला के लिए जो है पैरालिसिस जो है मोस्ट कॉमन कॉज होता है एंड दिस इज द मस्क्यूलो स्केल्टल डिसऑर्डर करेक्टराइज बाई दी प्रोट्र्यूशन ऑफ द शोल्डर ब्लेड्स और शोल्डर बोन फ्रॉम पर्सन बैक इन दबनॉर्मल पोजिशन ओके नेक्स्ट इज माई प्रेजेंट इन एंटीरियर आस्पेक्ट इंटीरियर आस्पेक्ट ऑफ थाई में जो मसल प्रेजेंट होती है वो पूछा गया है जो की एक रिपीटेड क्वेश्चन है सफदरजंग नर्सिंग ऑफिसर दो हजार अट्ठारह का चार आपके सामने ऑप्शन दे रखे है रेक्टेमोरिस हेमस्ट्रिंग डेल्टॉयड एंड टिबलिस एंटीरियर आपका जो राइट right आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए रेक्टस फेमोरिस ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं टॉप पे है रेक्टस फेमोरिस इसका राइट right आंसर है ठीक है एंड द नेक्स्ट इज इन एन एडल्ट द स्केलेटन कंप्राइज अराउंड ठीक है एडल्ट में पूछा गया है यहाँ कि एडल्ट में जो स्केलेटन है वो कम्प्राइज करेगा अराउंड वेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कितना बॉडी वेट कंटेन करता है स्केलेटल सिस्टम चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसका राइट आंसर रहने वाला है डी डी ऑप्शन आपका राइट right है टेन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल बॉडी वेट ठीक है आपका राइट right आंसर है अगर आपका सिक्सटी के जी वेट है तो जो टोटल बॉडी वेट सिक्सटी के जी है उसमें से दस से बीस परसेंट जो है आपका स्केलेटल सिस्टम का बॉडी वेट है टोटल नंबर ऑफ़ बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन बॉ ह्यूमन में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती है ये इतना इतना जनरल क्वेश्चन है ये आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर ए 206 सौ छे इज द राइट आंसर नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है ये टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन आपके फेस पे कितनी बोन्स हैं ठीक है फेस पे तो आपका जो राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी फोर्टीन फेशियल बोन फोर्टीन होती है नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बोन इन द स्कल अब यहाँ पे स्कल की बात कर रहे हैं आपकी टोटल बोन होती है ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी टू स्कल में ट्वेंटी टू होती है और फेशियल में फोर्टीन होती हैं नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग दर्टिब्रल बोन कंसिस्ट ऑफ फाइव फ्यूज बोन यहाँ पे बोला गया है इन चार में से कौन सी ऐसी वर्टिब्रा है जो फाइव फ्यूज बोन कंटेन करती है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सैक्रम नेक्स्ट इज क्वेश्चन में पूछा गया है देयर आर डैश पेयर ऑफ रिब्स प्रजेंट इन ह्यूमन बॉडी अब ह्यूमन बॉडी में कितनी पेयर की रिप्स प्रजेंट हैं ठीक है चेके? आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी ट्वेल्व पेयर्स ट्वेल्व पेयर्स होते हैं रिप्स के अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं रिप्स को ट्रू रिप्स फॉल्स रिप एंड फ्लॉटिंग रिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्रू रिप्स आर देयर पूछा गया है आपको जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए सेवन सेवन पेयर जो है ट्रू रिप्स होती हैं ठीक है एंड नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिप्स पूछी गई है ठीक है आपको इसका डायग्राम मैं बना के दिखा देती हूँ तो यहाँ पे जितनी भी रिप्स है स्टर्नम से जुड़ी हुई है बाकी की नीचे फ्लॉट करती हैं इनको फ्लोटिंग रिप्स कहा जाता है ठीक है तो ये पूछ रहे हैं कितने पेयर में होती है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू पेयर्स दो पेयर में होती है फ्लोटिंग रिप्स एंड अब फॉल्स रिप की बात हो रही है फॉल्स रिप कौन सी है यहाँ पे ये पूछा गया है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टेंथ रिप जो है आपकी फॉल्स uh, रिप है ठीक है तो यहाँ पे आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है छोटी थी बट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ऐसे ही ऑर्थो के एन में और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को नेक्स्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वीडियो अपलोड होते ही ठीक है देरी ना हो तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एग्जाम्स ऑफ डॉक्टर आर एंड पी चंडीगढ़ राजस्थान सी एंड अदर नर्सिंग एग्जाम्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर